देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फर्जी शिक्षक घोटाले को लेकर एसटीएफ लगातार शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। वहीं फर्जी शिक्षक मामले को लेकर एसटीएफ की ओर से 6 शिक्षकों की जांच करने के बाद बीएसए कार्यालय को पत्र लिखा है, जिसके बाद जांच में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि साल 2018 में हुए फर्जी शिक्षक घोटाले को लेकर एसटीएफ लगातार फर्जी शिक्षकों की जांच कर साक्ष्य एकत्रित करने में लगी हुई है। एक बार फिर मथुरा का बीएसए कार्यालय सुर्खियों में है। बीएसए कार्यालय में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। एसटीएफ की ओर से आधा दर्जन शिक्षकों के कागज की जांच के लिए मांगे गए थे। इन सभी शिक्षकों के दस्तावेज जांच में फर्जी पाए गए हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग पहले से ही जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। फर्जी शिक्षकों का मामला एसटीएफ के खाते में जा चुका है। ये सभी शिक्षक मथुरा जिले के विभिन्न विद्यालयों में तैनात हैं। इस मामले में प्रभारी बीएसए और डायरेक्ट प्राचार्य महेंद्र सिंह ने बताया कि एसटीएफ की ओर से दिए गए पत्र में 6 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। एसटीएफ ने कुछ शिक्षकों के खिलाफ यहाँ पर जांच भेजी थी, उनकी फर्जी पाए गए थे, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी, कितने शिक्षक हैं, क्या कार्रवाई होनी है? मथुरा में जितने भी आपकी नियुक्तियाँ हुई हैं वो सारी की जाँच एसटीएफ कर रही है उनके डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे शिकायत ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स में या डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करके नौकरी ली है, तो उसका एसटीएफ जाँच करा रही है। और जाँच करने के बाद एसटीएफ अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में अगर किसी का फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो एसटीएफ की रिपोर्ट आई है कि नई रिपोर्ट भी आई है, पहले की रिपोर्ट है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितने शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए एसटीएफ ने बोला? टोटल शिक्षकों की जांच अभी 7-5 के लिए आया है जी। सर कुछ शिक्षक स्टे भी ले आए हाईकोर्ट से, इसमें मानव चिन्हालय के आदेशों का संपालन तो सुनिश्चित किया जाए। मानव चिन्हालय एसटीएफ का ये कहना है कि प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है बीएसए द्वारा, जिसके चलते शिक्षक स्टे ले आने में समर्थ हो पा रहे हैं। न्यायालय के बारे में हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि न्यायालय के आदेश कर रहा है नहीं। प्रभावी पैरवी के बारे में अगर जब इंस्ट्रक्शन मांगा जाता है तो इंस्ट्रक्शन उपलब्ध कराया जाता है, और अगर आर्डर हो गया है तो इस पर स्टे वैकेशन एप्लीकेशन लगाई जाती है। मथुरा के बारे में IGSTF ने स्पेशली आपके सचिव को लिखा है, बेसिक शिक्षा के को, उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो अति गोपनीय दस्तावेज थे एसटीएफ की कार्रवाई के संदर्भ में वो यहाँ से लीक कर दिए गए, संबंधित जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी उनके पास पहुँच गई, उन कागजों के आधार पर वो इसके लिए आए हैं। मेरा तो अनुरोध ये रहेगा कि यहाँ पे वास्तव में नियमित बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता है, जो कि जब व्यक्ति लगातार रहेगा और उसका काम देखेगा तब कुछ काम अच्छा हो सकता है। तो जब तो काफ़ी लंबे समय से कुछ समय के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी आते हैं फिर वो चले जाते हैं, तो रेगुलर एक अच्छी बेसिक शिक्षा अधिकारी की आवश्यकता है। मैं भी अतिरिक्त प्रभार में हूँ, मैं भी उम्मीद करता हूँ, हो सकता है लोगों ने चाहा या गवर्नमेंट जो में किसी ना किसी जो आएगा वो उसको देखेगा। सर हमारी तरफ से FIR भी है इसमें? हाँ, FIR जो भी आ रही लगातार हो रही है और जो आएंगी वो कराई जाएंगी। सर ये भी कहा गया था कि मथुरा से FIR नहीं हुई है ना? FIR तो हम लोग पहले ही भेज चुके हैं सर, गवर्नमेंट को भेजी जा चुकी है। अब कोई नए जो आए हैं उनकी FIR तो जब आएगा लेटर उसके बाद ही होगी, जानकारी लेनी पड़ेगी। गोपनीय दस्तावेज लगातार यहाँ से लीक हो रहे हैं इस संदर्भ में, क्योंकि इस समय आपके पास चार्ज कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद? मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई गोपनीय दस्तावेज अगर कोई इधर लीक हुआ है, और अगर लीक होगा तो जिस जो लीक करेगा उसके खिलाफ भी FIR होगी। एक शिक्षक का तो सर मूल दस्तावेज यहाँ से गायब कर दिया गया पटल से। तो अगर मुझे आप जिसको डिटेल दीजिए जो गायब करेगा, तो देखिए शासकीय अगर अभिलेख कोई गायब करता है तो शासकीय कर्मचारी के खिलाफ भी FIR जाएगी, उसमें किसी को कोई छूट नहीं है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।